नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति 37वां बैठक। 1,26,000 कोटी टंकार 8टी प्रकल्प और 9टी स्कीम मोदी कले समीक्षा। प्रकल्पगुड़िक ठिक समय समाप्त होगा उपरे गुरुत्वारोप। वन नेशन वन राशन कार्ड सह बेड और ऑक्सीजन प्लांट निर्माण स्थिति उपरे नजर रखा अधिकारी निर्देश। आज आरंभ हो जेई मेन परीक्षा। दुईटी सिफ्ट में परीक्षा देवे छात्र छात्री। कोरोना कटकण में परीक्षा नहीं स्वतंत्र व्यवस्था। ओडिशा 20टी सहर में 41टी केन्द्र। मिठा दोकानी ना 71 लाख जीएसटी पैठ कर नहीं नोटिस। धामनगर कोठर छकस्थित मिठा दोकानी अभिजित बैंक आकाउंट से साइबर ठकेर शिकार होता अभियोग आनी। केरल रे कोरोनार तृतीय लहर आशंका। तीन मास परे प्रथम थर पर 30,000 केस चिन्हट। मे 20 तारीख पर सर्वाधिक एक्टिव केस लोड 1,70,000 को वृद्धि। अफगानिस्तान प्रसंग को नहीं आज बस सर्वदलीय बैठक। केन्द्र वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर विरोधी आगे रखे सरकार रणनीति। सेपटे अगस्त 31 पर आईनगत प्रमाणपत्र देखा देश बाहर को जीवाई अफगानिस्तान नागरिकों मिला अनुमति। केन्द्रापड़ा पुलिस दबंगिरी परिवेश भीति श्रीकांत नायकों केन्द्रापड़ा मेडिकल बलपूर्वक उठाई नेला पुलिस। खरस्रोता नदी बंचा अभियान में आमरण अनशन अच्छा श्रीकांत नायक। आज बस नूतन परिचालना कमिटी बैठक। अध्यक्षता करेंगे गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव। सेवायत पिला आदर्श गुरुकुल और श्रीमंदिर ऐतिह करिडर प्रकल्प नहीं हेबो आलोचना। बाहरीन आसुची ओडिया श्रमिकों मृतदेह ओडिशा पठाईपे सहायता कले बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज। बाहरीन अन्य ओडिया भाई और भौणी मानकु निज समस्या जणाइबा कले निवेदन। एथर संपूर्ण खबर। आज आरंभ हो जेई मेन परीक्षा। दुईट सिफ्ट में परीक्षा कर प्रथम सिफ्ट दिन 9टा आरंभ हो 12टे सरवाकूबा बेले द्वितीय सिफ्ट 3टू संध्या 6टा पर्यंत चलो। अगस्त 26, 27, 31 सेप्टेम्बर 1-2 तारीख पर्यंत परीक्षा हे। कोरोना कटकणा मध्य छात्र छात्री परीक्षा देते। देश में मोट 7,67,509 परीक्षार्थी पंजीकरण करथिबा बळे 26,733 जण परीक्षार्थी पंजीकरण करिछन्ती। ओडिशार 20टी सहर में 41 केन्द्र कर बलांगीर बरगढ़ रायगड़ा भुवनेश्वर कटक संबलपुर पुरी रे एवं अन्यान्य सहर रे परीक्षा केन्द्र कर तेरे बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू जोड़ी होती। चिन्मयी वर्तमान परीक्षा केन्द्र गुड़िकर चित्र कौन आसुचे? निहाती भाव में चिन्मयी जी कह आज जेई मेन एग्जाम स्टार्ट ओडिशार पाखापाखी 26,733 जन छात्र छात्री परीक्षा देवे। से परीक्षा हॉल रे मतलब स्वतंत्र व्यवस्था कर देखिपे जो मैंने आसुचार एडमिट कार्ड को चेक करानिटाइज करानिटाइजर दि जाऊँ। जो मैंने मास्क पिंधिंट से परीक्षा केन्द्र भितर को पठाई दि जाऊँ। दुईट सिफ्ट्रे जेई एग्जाम मेन एग्जाम हबार जहाँ सूचना रही दिन 9टा 12टा प्रथम सिफ्ट एवं द्वितीय 3टा संध्या 6टा पर्यंत चलो। जदि कह एग्जाम पखापाखि 4 दिन धरी चलो। सेप्टेम्बर 2 तारीख पर्यंत एग्जाम चलबार जहाँ सूचना रही। निश्चित भाव में तेज भुवनेश्वर एवं कटक कथा जदि देखा केतोटी केन्द्र करेन्द्र में खासकर पाने आज परीक्षा देवाई आस जदि कह ओडिशार पखापाखि 20टी जगार जदि कह 20टी स्थान रे जे मेन एग्जाम करा जाइछि। भुवनेश्वर कटक रे मध्य करा जाइछि। जदि कह ओडिशार कटक भुवनेश्वर राउरकेला खोर्धा एवं विभिन्न जिला मानकरे एग्जाम रो सेंटर करा जाइछि। छात्र छात्री मैंने आसिकी सुरखुर भाव में एग्जाम दौरान। जदि कह कोरोना गाइडलाइन को मानि से भितर डिस्टेंस अछि एवं मास्क पिंधुछन्ते एवं सानिटाइज करा जाइकी एग्जाम हॉल भितर को छड़ा जाउछि।
निश्चिंत भाव में चिन्मयी आम जो दृश्य देखुलु जे वर्तमान कोविड 19 रो प्रोटोकॉल को संपूर्ण भाव से पालन कर सबू गाइडलाइन भितर पिलाने आज परीक्षा देवाई जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी आपण तमाम सूचना। प्रगतिर 37वां संस्करण बैठक में अध्यक्षता करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां प्रोएक्टिव गवर्नेंस एवं ठीक समय कार्यकारी पाई आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म अटे। एही बैठक में 8टी प्रकल्प एवं गोटीए योजना समेत 9टी स्कीम को समीक्षा पाई निया जायथिला। 8टी प्रकल्प मध्यरे 3टी प्रकल्प रेल मंत्रालय एवं सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय एवं 2टी प्रकल्प शक्ति मंत्रालय रथिला। एही 8टी प्रकल्पर मूल्य 1,26,000 कोटी टंका रही। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर एवं दिल्ली भली 14टी राज्य में चली प्रकल्प। यह प्रकल्पगुड़िक ठिक समय समाप्त होगा उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप कर सहित बैठक में प्रधानमंत्री वन नेशन वन राशन कार्ड योजनार समीक्षा करते लोक व्यापक सुविधापी योजना अधीन विकसित वैषयिक प्लाटफर्म्र एकाधिक उपयोगिता अनुसंधान करने को से अधिकारी कहते ऑक्सीजन प्लांट निर्माण और डाक्तरखाना शय्या उपलब्धता उपर नजर रखा प्रधानमंत्री अधिकारी निर्देश देखते। अफगानिस्तान प्रसंगे सर्वदलीय बैठक आज केन्द्र वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर विरोधी आगे रखिए सरकार रणनीति विरोधी दलर नेता समस्त प्रश्नर उत्तर देवा सहित परामर्श नहीं पारती सरकार। पूर्व वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर एक ट्वीट जगे अफगानिस्तान स्थिति को दृष्टि रखि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विरोधी दल को समस्त तथ्य देवा वैदेशिक मंत्रालय को निर्देश देखा कहते। अफगान स्थित को नहीं केन्द्र सरकार विभिन्न पर्यायर अनेक गुरुत्वपूर्ण बैठक 17 अगस्त में कैबिनेट सुरक्षा कमिटर बैठक कर प्रधानमंत्री निज देशर नागरिकों सुरक्षार सह फेर आोर देते। तालिबान में बदली स्थित को नहीं अनेक राष्ट्र निज निजर रणनीति प्रस्तुत करते वर्तमान सुधा भारत सरकार 600 अधिक लोक अफगानु उद्धार करते प्रतिदिन एयरफोर्स 2टी युद्ध विमान द्वारा लोकं भारत अणा लोक काबुल्रु स्थानातर कर मिशन को अपरेसन देवी शक्ति नाम नामित कर सुरक्षा दृष्टि भारत पूर्व जारी होता समस्त भिजा को रद्द कर भारत भ्रमण करने को चाहूबा अफगानिस्तान नागरिक मैंने www.indianvisaonline.gov.in रे भिजा पर आवेदन करेंगे। तबे आज अफगानिस्तान प्रसंगे सर्वदलीय बैठक बस केन्द्र वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर विरोधी आगे रखिए सरकार रणनीति विरोधी दलर नेता समस्त प्रश्नर उत्तर देवा सहित परामर्श नहीं पारती सरकार। पूर्व वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर एक ट्वीट जगे अफगानिस्तान स्थिति को दृष्टि रखि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विरोधी दल को समस्त तथ्य देवा वैदेशिक मंत्रालय को निर्देश देते। बाबद अधिक आलोचना पाई आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती। गगन आज सर्वदलीय बैठक बस विरोधी मान सहित आज सरकार कौन रणनीति अपणाइबे से नहीं कि आज आलोचना करा खास करी कौन लगुच आपको कारण सरकार जमी पूर्व निष्पत्ति नहीं जो मैंने भारतीय अच्छा अफगानिस्तान से प्रथम उद्धार करापर कौन सरकार रणनीति प्रस्तुत करेंगे से नहीं तेज कौन आशा करें निश्चित भाव चिन्मयी अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा रही आज आलोचना करने कहीं विरोधी बारंबार क्वेश्चन तैयार कर सरकार प्रश्नवाण से घेरुले सरकार को भारत सरकार जो इनभेस्ट कर 22,000 कोटी रु अधिक टंका तार वर्तमान सुरक्षा किभली जो सेठे लोक मैंने फसि रही किभली भाव उद्धार कर दुईटी प्रसंग को लेकिन कौटना कौटि सरकार को प्रश्नवाण से घेरी विभिन्न राजनैतिक दल तेणु से दृष्टि सरकार चिंता करश्चित भाव भारत वर्तमान जो स्ट्राटेजी रही भारत जो पॉलिसी नहीं कि वर्तमान आगे कौन अपोजिशन लीडर मान सहित आलोचना होदेशिक मंत्रालय को प्रधानमंत्री निर्देश देते ही आधार में आज बैठक होगा जहां
इनफॉरमेशन अछि पाखा पाखी 11टा समय रे ये पार्लियामेंट संसद भवन रो जो गृह रहिछि से गृह रे आलोचना करा जिवो एवं समस्त राजनीतिक दल रो जो संसदीय नेता रहिछन्ति सेमानकु जयशंकर ब्रीफ करिवे जे सरकार कोन कोन स्टेप नैछन्ति एवं पाखा पाखी वर्तमान देखिबे गोटे सप्ताह मध्ये 600 रु अधिक लोकंकु मध्ये सेठारु इवाकुएट करा गलानी एवं सेमानकर मध्ये टेस्टिंग करा जाउछि काहेकि ना गोटे पटे कोविड रो भयावहता रहिछि अन्य पटे निजर राष्ट्र लोकंकु सुरक्षा रो फेरै आणिबार व्यवस्था रहिछि एवं अन्य पटे देखिबे किछि जो सेठारु पासपोर्ट चोरी होता भिजा चोरी होता तेनाली रद्द कर पूर्व जो भिजा गुड़िक इश्यू होता संपूर्ण रूपे भारत सरकार रद्द करवल इ भिसा मध्यम समस्ते बर्तमान भारत आसु अंपटे आतंकवाद भय रही भिसा मध्यम अनेक आतंकवादी भारत को बर्तमान समय आसीजार संभावना रही अनेक गुड़े प्रसंग रही है सुरक्षा प्रसंग रही भारतीय मानक फेर आणवार प्रसंग रही अंपटे कूटनैतिक प्रसंग लगातार भाव में देखिए भारत सरकार विभिन्न राष्ट्र सहित कथा हो निजर स्ट्राटेजी नौकर ब्रिक्स रे आलोचना करछन अजीत डोभाल सेभली भाव जी सेवेन रो गतकाल बैठक थी तेणु अनेक गुड़िया स्टेप बर्तमान विश्व स्तर में भारत निजर स्ट्राटेजी अनुसार आगक बढ़ुच्च तेणु ये समस्त कथ को लेकिन कौटा कौटी अपोजिशन लिडर सहित तो आलोचना करमर्श नि भारत निश्चिंत भाव में गगन समस्त नजर रहा जहाँ सर्वदलीय बैठक में कौन निष्पत्ति सरकार कौन रणनीति अपनाऊँच कारण बर्तमान सरकार अनेक गुड़िया दिग को देखिक निष्पत्ति नहीं पारती बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपण तमाम सूचना। केरल रे कोरोना रो तृतीय लहर रा आशंका तीन मास परे प्रथम थर पई केरल रे गोटिए दिन रे चिन्हट हेले 30,000 रु अधिक आक्रांत केरल सरकार को द्वारा दिया जाइथिबा रिपोर्ट अनुसार बुधवार राज्य रे 31,445 नुआ केस चिन्हट होइछे जहां मे 20 तारीख परठारु सर्वाधिक एहा सह राज्य रे दिन करे 215 जनक कोरोना रे मृत्यु होइथिबा केरल सरकार सूचना दैछन्ति। एहि संख्या सह राज्य रे एक्टिव केस लोड 1,70,000 रे पहुँचुछे एहा सह पॉजिटिविटी हार मध्य 19% रे पहुँचुछे। मिठा दुकान ना रे जीएसटी दाखल करिनथिबा ने नोटिस 71,19,627 टंका जीएसटी दाखल होइनथिबा ने नोटिस रे उल्लेख रहिछि। भद्रक धामनगर कोठर छकरे थिबा मां मंगला स्वीट स्टॉल नामरे एमिती नोटिस आसिछि। मिठा दुकानी मालिक अभिजित को अकाउंट को थिबा असुराली युको बैंक को आंध्रप्रदेश बिक्री कर विभाग पक्षरु एक चिट्ठी आसिछि जेउथिरे अभिजित को ना रे दुईटी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जीएसटी बाबद रे 71,19,627 टंका पैठ करिनथिबा उल्लेख रहिछि। एपरि नोटिस सहित अभिजित को बैंक अकाउंट मध्य सीज करा जाइथिबा बेले अभिजित को चिंता रे एबे पडिछन्ति। ए संपर्क रे से धुसुरी थाना रे अभियोग करने सहित सत्यासत्य अनुसंधान अनुरोध कर बैंक को जाइए जो उठापी मत बैंक नोटिस देखे आप जी एस टी 72,72,000 1,27,27 टाँच कोई बस वाले मुझे जा भद्रक जी एस अफिस् थाना रेफर करूँ जाजपुर जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अच्छी से देखा करूँ से सजेसन देवे सी सजेसन देखिए थाना एफआईआर करूँ थाना एफआईआर कर कौदिन कल कर 4-5 दिन थाना आई एस कौन कले कहे जी गुंटूर जाफआईआर करने गुंटूर जा देखा करने आंध्र आंध्र बुलेटिन समय हो गए छोट ब्रेक ब्रेक पर जारी रहा आ कि खबर ब्रेक पर स्वागत। आज गजपति महाराजा दिव्य सिंह देवों अध्यक्षतार नूतन परिचालना कमिटी बैठक अगस्त 12 रे राज्य सरकार 10-जणिया कमिटी गठन करते कमिटी में 7 जण नुआ मुह रही बेले 3 जण गत परिचालना कमिटर सदस्य रही सका 10:30 नीलाद्री भक्त नवास बैठक अनुषित होमंदिर मुख्य प्रशासक परिचालना कमिटर कार्यकारी स्थायी अध्यक्ष तथा मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र जिलापा एसपी श्रीमंदिर नीति और उन्नयन प्रशासकों समेत समस्त सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में रत्नभंडार सब कमिटी नीति सब कमिटी फाइनान्स सब कमिटी लैंड सब कमिटी आदि गठन होगा अनेक सदस्यों कमिटी स्थान दिया दिज्व
विशेषकर सेवायत पाई आदर्श गुरुकुल उपरे मत रखा सेवायत कल्याण पांठि आर्थिक स्थिति दुर्बल थिबा सेवायत को घर जोगाई दिया आलोचना हबो यहासह श्रीमंदिर ऐतिह करिडर प्रकल्प कार्य उपरे मध्य आलोचना करा जिबो। खरस्रोता नदी बंचा अभियान रे आमरण अनशन परेशविद श्रीकांत नायक बलपूर्वक केन्द्रापड़ा मेडिकल उठाई नेला पुलिस षोह दिन आमरण अनशन बसवा पर गुरुतर असुस्थ हो डाक्तखाना भर्ती होते श्रीकांत नायक तेज चिकित्सित अवस्था उठाई ने घटना पुलिस कार्यपन्था प्रश्नवाची सृष्टि कर राज्य में दुर्बल रही मौसुमी वायु तबे गत 24 घंटे उपकूल ओडिशार किछि स्थान रे कालबैशाखी वर्षा होई छी। केन्द्रापड़ा मार्साघाई में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा होता बेले सुवर्णपुर डुंगरीपाली में सर्वनिम्न 32 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होई। जून 1 अगस्त 25 मध्य राज्य में 31% कम वृष्टिपात होता पाणिपाग विभाग पक्ष सूचना मिली। केवल कोरापुट मालकानगिरी और नुआपड़ा को छाड़देले अन्य समस्त जिले में स्वाभाविक ठार कम वृष्टिपात हो आज 11 जिले में कालबैशाखी वर्षा होबार संभावना रही। कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बरगड़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिलार किसी स्थान में वज्रपात सह वर्षा हो पारे। 28 तारीख जाए राज्य किसी स्थान में वर्षा होगा नहीं पाणिपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। अफगानिस्तान नागरिकों को विमान यात्रा पर अनुमति देव तालिबान बुधवार तालिबान रो डेपुटी मुख्य को भेटी आलोचना करते जर्मान रो राष्ट्रदूत तबे अगस्त 31 पर आईनगत प्रमाणपत्र नागरिकों देश बाहर को विमान यात्रा पर अनुमति देवा तालिबान राजी होता जर्मानी रो राष्ट्रदूत अगस्त 31 सुधा अमेरिका अफगानिस्तान संपूर्ण सेना प्रत्याहार करापर अफगानिस्तान नागरिकों देश बाहर को जवाक अनुमति मिले। बाहरीन एयर इंडिया विमान जोगे ओडिया आसुच्छ श्रमिकों मृतदेह मृतदेह पठाइबारे सहायता करिछंती बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज आर्थिक चापरे मानसिक भारसाम्य हराई अगस्त 16 रे आत्महत्या करिथिले गंजाम जिलार जितु स्वाई। बाहरीन आसुच्छ ओडिया श्रमिकों मृतदेह आ मृतदेह पठाइबारे सहायता करिछंती बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज। अगस्त 16 ले बाहरीन एक श्रमिक शिविर रे आत्महत्या करिथिले गंजाम जिलार जितु स्वाई। आर्थिक चापरे मानसिक भारसाम्य हराई से आत्महत्या करथिबा जना पड़िछि। तेबे तांको मृतदेह ओडिसा आनिबारे अनेक समस्या हेउथिला एने सहायता करने को डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज को गुहारी करिथिले जितु भिणोई। खबर पाइबा तुरंत मृतदेह पठाइबार व्यवस्था करिथिले बाहरीन रे अवस्थापित ओडिया अधिकारी तथा विश्व ओडिशा सद्भावना राष्ट्रदूत डॉक्टर प्रहराज। व्यवच्छेद आरंभ कर जन्ममाटी को मृतदेह पठाइबा पर्यंत समस्त कार्य प्रत्यक्ष भाव में तदारख करथिले। आज एयर इंडिया विमान जोगे जितु मृतदेह भुवनेश्वर में पहुंचे बोली से सूचना देछंती। जितु शोक संतप्त परिवार प्रति समबेदना जणाइछंती डॉक्टर प्रहराज। जितु परिवार को उपयुक्त न्याय प्रदान पाई आमर संग्राम जारी रहिबो बोली से कहिछंती। एथिसह बाहरीन ने थिबा अन्य ओडिया भाई और भौणी मानकु निज समस्या जणेबा पाई से निवेदन करिछंती। आम 27 वर्षीय ओडिया श्रमिक भाई जितु स्वाई जी गत 17 अगस्त 2021 दिन साम्स अलमनार कंपानी श्रमिक शिविर रे फैन रे झुली आत्महत्या करथिला आज दीर्घ 7 दिन रो अथक परिश्रम परे तांको मृत शरीर को तांको भिटामाटी को पठेया पाई विभिन्न अथॉरिटी पाखरु अप्रूवल्स मिली जाइछि। तांको मृत शरीर एयर इंडिया विमान द्वारा 26 अगस्त को भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचिबो। आत्महत्या केस को यह एक जटिल प्रोसेस थिला। तांको बापा श्री डाको स्वाई माँ एवं भौणी माने अनेक थर मते फोन करी विनती करथिले तांको मृत शरीर को शीघ्र शेष दर्शन पई तांको भिटामाटी को पठाया पई। यह वास्तव में भारी दुखद घटना।
ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରରାସଙ୍କ ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସୁବାଳିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିର ଲୋକେ। ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସୁବଳିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିର ଘୁଡ଼ୁକି କଳାକାର। ମୁଣ୍ଡପୋତା କଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଲୋକେ ଆଜି ବି ଅସହାୟ ଭାବେ ଛଣଛପର ଆଉ ମାଟିକାନ୍ଥ ତଳେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘୁଡ଼ୁକି ବାଜା ବଜାଇଲେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲେ ଏମାନଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ବାପା ଜେଜେ ଅମଳଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଛୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ, କି ଆମକୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏମଏଲଏ ହଉ, ଏମପି ହଉ, ଯିଏ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବାବୁ ହଉ, ତହସିଲ ହଉ, ବିଡ଼ିଓ ହଉ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେମଲକ ଯାଇଥିଲେ ହେମଲକ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁଆର ମାରିଲୁ, ତହସିଲକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁଆର ମାରିଲୁ, ସବୁ ଜୁଆର ମାରିକି ଆଜ୍ଞା କେହି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କାଲି ତାଳ ଖୋଳିଆ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଁ କଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଲିଜା ଦୁଶୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା କହିଲୁଣି, ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଜୁହାର ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁ କରିଦେବି କରିଦେବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।